हेलो हेलो सैमी सैमी मॉम को सैमी मॉम गाइस देयर इज नथिंग टू वरी वो मेन वायर जल गई थी वो लोग रिप्लेस कर रहे हैं 5-10 मिनट में लाइट्स आ जाएगी क्या हुआ भैया क्या हुआ सैमी सैमी मॉम प्लीज रोना बंद करो बता हुआ क्या पियू पियू यू टेल मी क्या हुआ मॉम के ऑर्गन फेल हो गए और डोनर भी नहीं मिल रहा डोनर तो अरेंज हो जाएगा पर वेयर इज मिस्टर राम कपूर उनके जरूरत है उनके सिग्नेचर उनके अप्रूवल के बिना ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता कि शादी होने वाली है शादी होने वाली प्लीज रोना बंद करो प्लीज सब कुछ ठीक हो जाएगा प्रॉमिस पियू पियू कम ऑन डैड नीड्स टू बी हियर इस वक्त मॉम के साथ होना चाहिए आई नो सैमी कि मेरे मॉम के साथ बहुत प्रॉब्लम्स रहे पर मैं मॉम से बहुत मैं चाहती हूँ डैडी आ जाए चाहे उनकी शादी टूट जाए तो टूट जाए पर उन्हें यहाँ होना चाहिए पियू तुम ही चाहती थी ना कि अंकल शादी कर लें तो ये कंफ्यूजन क्या है मैं चाहती थी कि शादी कर लें बिकॉज आई वांटेड हिम टू मूव ऑन पर अब जो मॉम की कंडीशन है अगर मॉम को डोनर नहीं मिला और वो अगर हमें छोड़ के चली गई तो मुझे लगता है कि डैड को उनसे मिल लेना चाहिए डैड को इस कंडीशन में मॉम से कैसे दूर रख सकती हूँ यू कहाँ सैमी उसे पिकअप करने गया है वो आती ही होगी जो भी करना है जल्दी कीजिए मुहूर्त का समय निकला जा रहा है मैं पीयू के लिए वेट करना चाहूंगा उसके आने के बाद शुरू करते हैं राम पीयू भी चाहती है कि तुम शादी कर लो तो बस पहुंचती ही होगी आई मीन ट्रैफिक वगैरह होगा ना यू स्टार्ट वो पहुंचती होगी यजमान कन्यादान कौन करेगा मैं करूंगा जूही तुम प्रिया की बेस्ट फ्रेंड हो मेरी बेटी जैसी राम का ख्याल रखना बेटे ये तो चमत्कार हो गया अब तो एसी की जरूरत भी नहीं है क्या ठंडी हवाएं चालू हो गई एक मिनट में अभी I don't know why, लेकिन जब भी ये हवा मेरे चेहरे पर आती है ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ हो प्रिया मैं बहुत बड़ा कदम लेने जा रहा हूं क्या मैं सही कर रहा हूं hmm.
चल, जितनी तेज चला सकते हो चलाओ, कम ऑन, हरी अप। जी ऑर्गन्स हमें मिल गए हैं, बस हम पहुंच रहे हैं। मैं रास्ते में हूँ, जितनी जल्दी हो सके मैं पहुंच रहा हूँ। आई एम ऑन माई वे। ओके सिस्टर, कोई फोन आया था? नहीं सर, अब तक कोई फोन नहीं आया। कमाल है, अब तक तो ऑर्गन आ जाना चाहिए था। वी कैन वेट फॉर सो लॉन्ग। आई नो सर, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। ऑर्गन तो मिल गया था और मैं वहां से निकल भी गया था। सडनली ड्राइवर का फोन ही नहीं लग रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं। आई जस्ट होप सब ठीक हो जाए। क्यों नहीं लग रहा? Dad, I need you here, Dad. Mom needs you here. Please come. You, please come now. साहब लगता है आगे कोई एक्सीडेंट हुआ है, मैं देखकर आता हूं। सर आगे किसी राम कपूर का एक्सीडेंट हुआ है। प्रिया हॉस्पिटल में, शी सिंकिंग यार। मॉम, व्हाट्स गोइंग ऑन? प्रिया आंटी नीड्स अस नाउ, लेट्स गो। चल ट्रांसप्लांट के लिए अभी तक नहीं आया। Please come soon, Dad. Mom is dying. She's going there. हेलो। हमें ऑर्गन हॉस्पिटल पहुंचाना है, पेशेंट बहुत क्रिटिकल है। क्या क्या कहा आपके पेशेंट का नाम क्या है? प्रिया राम कपूर। एक काम कीजिए, आप राम को लेकर हॉस्पिटल पहुंचिए। आप ऑर्गन निकालिए, साथ चलते हैं हॉस्पिटल। Thank you.
आपने बताया भी नहीं। छोटा सा ट्रिप, तुम इतनी बड़ी कब से हो गई? खाना पीना छोड़ दिया क्या? मुझे प्रिया के बारे में नहीं पता था। डॉक्टर्स काफी होपफुल हैं और तो ऑर्गन भी मिल गया है तो। आप लाना ऑर्गन? नहीं, वो कोइंसिडेंस था, मैं एयरपोर्ट जा रहा था और रास्ते में एक्सीडेंट। यू आर अ सेवियर, आप ऐसे वक्त पर मॉम के पास आए हैं। It mattered the most. Thank you. Piyu? Doctor? We are sorry. वो organ जो आ रहा था accident में spoil हो गया. As a result, आज transfer नहीं हो पाया. And that was our last hope. I'm really sorry, बेटा. It's now too late. अब और कुछ भी नहीं हो सकता। What do you mean, कुछ नहीं हो सकता? डॉक्टर, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि कुछ नहीं हो सकता? डॉक्टर, मैं मॉम। डॉक्टर, मिस्टर राम कपूर को ऑब्जर्वेशन में लेके गए हैं। डैड? डैड को क्या हुआ है? नहीं नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ है। यू थोड़ी सी माइनर इंजरीज, इट्स फाइन। आई थिंक आपको अपनी फैमिली को बुला लेना चाहिए क्योंकि प्रिया मैडम की तबीयत इट्स वेरी क्रिटिकल। कम ऑन, लेट्स गो। सालों बाद बॉम्ब से मिलने आए सिर्फ उन्हें जाता हुआ देखने के लिए। हे लिलवान, प्रिया को कुछ नहीं होगा। प्रिया जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी मामा बहुत स्ट्रांग है और उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है उसका प्यार तुम्हारे पापा राम के लिए। मौत के लिए भी बहुत मुश्किल होगा, प्रिया से लड़के जी। एंड हे, तुम्हारे डैड कैसे जीत सकती है? मौत को भी बहुत प्रॉब्लम होगी उनसे जीतने में। यू नो व्हाट, एक टाइम पर मुझे भी लगा था कि मॉम अब चली जाए उनका पेन देखकर, पर आज आज जब भी मोमेंट आया, आई डोंट वांट हर टू गो। शी इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। राम और प्रिया की ये मैड फेरी टेल लव स्टोरी का एंड क्या होगा ये मैं नहीं जानता। मैं ये जरूर जानता हूँ कि इट्स गोना बी वेरी डिफरेंट। आई हैव नेवर बीन मोर श्योर अबाउट एनीथिंग एल्स। राम और प्रिया साथ में हमेशा रहेंगे। आर यू श्योर? यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग फॉर योर मामा, फॉर योर डैड। और ये बात जान लो कि इन दोनों का प्यार ही इनकी सबसे बड़ी ढाल है। अपनी बहनों को भी ये बात एक्सप्लेन कर। And hey, no crying. क्या होता है जब जिंदगी खत्म होने वाली होती है? लोग कहते हैं एक बहुत तेज आंखों को चुंधियाने वाली सफेद रोशनी आपकी तरफ आती है, आपको अपने में समाने, आपको अपने साथ ले जाने। लोग ये भी कहते हैं कि उस वक्त आपको बहुत सी आवाजें सुनाई देती हैं, कुछ परायों की, कुछ अपनों की, वो अपने जो आपको इस नई दुनिया में ले जाने में आपकी मदद करते हैं।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.